इंदौर कोचिंग ऑनर्स एसोसिएशन ने 7 महीने से बंद पड़े कोचिंग संस्थान और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को स्कूल कॉलेज की तरह गाइडलाइन जारी कर शुरू करने की सरकार से मांग की है। वहीं कोचिंग संचालकों ने 5 सूत्री मांग भी सरकार के सामने रखी है। कोरोना संक्रमण की वजह से इंदौर में बंद हुई लगभग सभी गतिविधियां शुरू हो चुकी है, लेकिन कोचिंग संस्थान और सभी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट पर 7 महीने से अभी तक ताला लटका हुआ है, जिसे लेकर इंदौर कोचिंग ऑनर्स एसोसिएशन ने मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी पीड़ा जाहिर की। इंदौर कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष ठाकुर रवि दांगी ने बताया कि इंदौर में करीब 5,000 कोचिंग संस्थान बंद पड़े हैं, जिससे 5,00,000 परिवार बेरोजगारी की भेंट चढ़ चुके हैं। शासन प्रशासन ने अभी गतिविधियों को शुरू कर दिया है, लेकिन कोचिंग पूर्ण रूप से बंद है। इंदौर कोचिंग एसोसिएशन ने ये प्रेस वार्ता के माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहता है कि आज कोचिंग क्लासेस और जो आपके अन्य प्रोफेशनल कोचिंग क्लासेस हैं उनकी अनुमति दी जाए। जिस प्रकार से अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को अनुमति दी गई है, उसी प्रकार से हमें भी गाइडलाइन जारी करके संचालन की अनुमति दी जाए। आज 7 माह पूर्ण हो गए हैं, 7 माह के बाद भी कोचिंग संचालन के लिए कोई सरकार और प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, पूर्णतः बंद है। अगर ये 1 महीने और बंद रहे तो ये सेशन पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा, मतलब आने वाला जो बच्चा है वो फिर मार्च के बाद ही आएगा। कोचिंग और बच्चे जो साल भर तैयारी करते हैं उन सभी के लिए ये पूरा साल जीरो घोषित कर दिया जाएगा, हो जाएगा। इसलिए कृपया आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से शासन और प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ, नर्म निवेदन करता हूँ, कृपया कोचिंग संचालन के लिए आप अनुमति प्रदान करें गाइडलाइन के माध्यम से। इंदौर शहर में 5,000 से 6,000 कोचिंगें संचालित होती हैं और पूरे मध्य प्रदेश में 35,000 कोचिंगें संचालित होती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन कोचिंगों में काम करने वाले मध्य प्रदेश के 5,00,000 लोग, मतलब 5,00,000 परिवार आश्रित हैं। और जब ये शहरों में बच्चे पढ़ने आते हैं तो इनके माध्यम से अन्य छोटे मध्यम और बड़े व्यापार करने वाले लोग भी आश्रित हैं। ऐसे हम कह सकते हैं कई लाखों परिवार कोचिंग संचालनों पर आधारित हैं। आज उनके पालन पोषण की बहुत ही बड़ी मुसीबत आकर खड़ी हो गई है, और कोचिंग संचालकों के लिए भी कोचिंग का संचालन करना एक मुसीबत का सामना करना हो गया है। कोरोना संक्रमण हम यही सोचते हैं कि इंदौर प्रशासन आज अनुमति देगा, कल अनुमति देगा, परसों अनुमति देगा, अगले नेक्स्ट देगा अनुमति, लेकिन निरंतर हर महीने गुजरते जा रहे हैं। और आपको मैं ये बतला दूं, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इंदौर शहर मध्य प्रदेश और देश का एजुकेशन हब है, लेकिन इन 7 माह के अंदर 50% कोचिंग संस्थाएँ बंद हो चुकी हैं। कारण भवनों का किराया, क्योंकि कोचिंगों को सबसे ज़्यादा भवन का किराया बहुत ही ज़्यादा एक वो लगता है। आज की स्थिति ऐसी है कि हम भवन के किराए नहीं दे पा रहे थे, इसलिए 50% बंद हो चुकी हैं। और अगर ये निरंतर चलता रहा तो ये कोचिंगों का जो बंद का चलते जा रहा सिलसिला ये और बढ़ते जाएगा, इसलिए इन्हें तुरंत अनुमति प्रदान की जाए, यह बच्चों को पढ़ा सके। और ये भी आपको मैं बता दूँ कि बच्चा स्वयं आना चाहता है, पेरेंट्स स्वयं भेजना चाहते हैं, और उनके ही प्रेशर निरंतर हम पर आए दिन जो फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे बच्चे के भविष्य को देखते हुए आप उन्हें पढ़ाइए लिखाइए। अब ऑनलाइन क्लासेस तो हमने चालू करी है, लेकिन हम खुद जानते हैं और आप भी जानते हैं, और यही आप लोगों के सर्वे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर 60 से 70% बच्चा ऑनलाइन क्लासेस से असंतुष्ट है, ले नहीं पा रहा है, उसकी ओर कौन ध्यान देगा। तो हम लोगों को जिम्मेदारी दे रहे हैं पेरेंट्स की, आप जल्दी ही निवेदन कर इसे खुलवाने का कार्य करें। स्कूलों में मनमानी फीस वसूली जा रही है, क्या आपकी तरफ से किसी बच्चों को रियायत मिलेगी? देखिए, कोचिंगों के प्रति में लोगों का ना ऐसे की बड़ी तकलीफ आई है, और ऐसे में बच्चों को पढ़ाना भी, एजुकेशन भी करना है, तो आपकी तरफ से किस प्रकार का कोई? निश्चय ही हम शिक्षक हैं, और ये हम आपके माध्यम से विश्वास दिलाते हैं, जितने भी बच्चे हमें सुन रहे हैं उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, कि कोचिंगों के माध्यम से आपके एजुकेशन में यदि पैसा कारण बनेगा तो उसमें हम खुला आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपके एजुकेशन को नहीं रोकने देंगे। और कोचिंग संस्थाएं आपके
एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कोचिंगें कम फीस जो है वो कम करेंगी और आपको उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ाएंगी, जिससे निरंतर बढ़ाते आ रही है। सरकार द्वारा अगर जल्द गाइडलाइन जारी नहीं की जाती कोचिंग क्लासेस को लेकर, तो कोचिंग क्लासेस का आगामी क्या रहेगा? आगामी वही रहेगा जैसा आप निरंतर देख रहे हैं। मैंने मेरे प्रेस नोट में भी कहा है आपको कि इंदौर कोचिंग एसोसिएशन और समस्त जो 5 से 6 हज़ार कोचिंग और मध्य प्रदेश के जो सभी बड़े संभागों में कोचिंग एसोसिएशन बने हैं, उन्होंने ये तय किया है कि यदि गाइडलाइन जारी नहीं की गई तो हमें उग्र आंदोलन की ओर जाना पड़ेगा। लेकिन हम पढ़े लिखे लोग हैं, आप सोचिए जब बाजार का हर कुलमा खुल गया उसके बाद हम आए हैं, क्योंकि हम अभी तक निवेदन ही करते हैं और पुनः निवेदन कर रहे हैं कि हमें आप सिर्फ अनुमति दे, हम बच्चों के भविष्य को तय कर सकते हैं। इस मौके पर इंदौर शहर के प्रतिष्ठित कोचिंग क्लासेस के संचालक मौजूद रहे और सभी ने मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबाड़ न्यूज़, इंदौर।